मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से आज सीआईडी पूछताछ कर रही है। मैं इस वक्त कोकण भवन में हूं, नवी मुंबई के इसी इमारत में सीआईडी का भी ऑफिस है, स्टेट सीआईडी का, जहां पर परमबीर सिंह से सीआईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। एक मामला मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में है, तो एक थाने पुलिस स्टेशन में भी एक मामला दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता श्याम सुंदर अग्रवाल का ऐसा कहना है कि उसे एक फर्जी केस में फंसाया गया, मकोका लगाया गया, साथ ही ये आरोप लगाया गया कि छोटा शकील का उसने इस्तेमाल किया है अपनी बिजनेस की डीलिंग करने के लिए। ये मामला दर्ज कर उसने ये भी आरोप लगाया कि इस मामले को दर्ज कर उससे पैसे वसूले गए और पूरे परिवार को परेशान किया गया, और ये सिलसिला सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि थाने में भी हुआ था। जिसके बाद इसी पूरे मामले में दो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें एक में शिकायतकर्ता श्याम सुंदर अग्रवाल हैं, तो दूसरे में उनके भतीजे शरद अग्रवाल शिकायतकर्ता हैं। परमबीर सिंह करीब 250 दिनों से ज्यादा गायब थे, जिसके बाद मुंबई की एक कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा तक घोषित कर दिया था, जिसके बाद तीन उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी थे, साथ ही चांदीवाल आयोग ने उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू किया था। अब परमबीर सिंह एक एक कर जो जो जांच एजेंसियां इनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही हैं उनके सामने जा रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलती है तो वो जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग करेंगे। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।